नमस्कार दोस्तों, एनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। मुझे एक रिक्वायरमेंट बार बार आती है कि फुली ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइज़र या सेमी ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइज़र के ऊपर हम अपने किसी भी प्रोडक्ट का कैलिब्रेशन कैसे सेट करें। इस समस्या को जानने या समझने के लिए हमको कुछ चीज़ों को समझना पहले ज़रूरी है कि कोई भी फुली ऑटो एनालाइज़र हो चाहे सेमी ऑटो एनालाइज़र हो, हमको उसका प्रोग्राम पहले करना पड़ता है और प्रोग्राम के हिसाब से ही उसका कैलिब्रेशन होता है। तो पहले हम ये जान लें कि हम जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमको अपना केमिस्ट्री का नाम डालना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमको टेस्ट करना है, तो जिसको हम एनालाइट बोलते हैं। और ये एनालाइट हमारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या बायोकेमिकल्स हो सकते हैं, या एंजाइम्स हो सकते हैं जैसे GPT, GOT वगैरह, प्रोटीन्स हो सकते हैं एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन वगैरह, या हार्मोन्स हो सकते हैं T3, T4, TSH जैसे। ओके, तो हमको पहले प्रोग्राम के टाइम पे इनका नाम डालना पड़ता है और फिर उसके बाद में हमको किस तरह की रिएक्शन इस प्रोडक्ट के अंदर होने वाली है उसके बारे में जानकारी इंस्ट्रूमेंट को देनी पड़ती है, प्रोग्राम डालना पड़ता है। और रिएक्शंस जो होती है वो या तो एंड पॉइंट टाइप की होती है जिसमें इतने मिनट तक इंक्यूबेशन होगा और उसके बाद में एब्जॉर्बेंस का मेजरमेंट लिया जाएगा, या रेट रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन चालू हो गई है तो उसके साथ साथ में जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होती जाएगी उसके साथ में उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस भी मेजर कर दिया जाएगा अलग अलग वक्त के ऊपर। ये सारी रिएक्शंस फुली ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइजर के अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही होती है, या सेमी ऑटोमेटेड के अंदर ये रिएक्शन सारी बाहर की जाती है, लेकिन काइनेटिक रिएक्शन तो सेमी ऑटोमेटेड एनालाइजर के अंदर भी अंदर ही की जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमको कलर के बारे में जानकारी, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसको हमको पता लगाना है एनालाइजर के अंदर, हमको उस एनालाइट को कलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है कोई भी रिएक्शन करके, जो रिएजेंट सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये जब कलर बन जाता है जिसको हमारा एनालाइजर उसको पता लगा सकता है कि कितना कलर है, उसको हमको कॉरस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि ये कलर कितनी क्वांटिटी के लिए है। क्वांटिटी जो वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकती है, जैसे मिलीग्राम पर 100 ml या मिलीग्राम परसेंट, या एक्टिविटी हो सकती है जैसे 100 international units पर लीटर पर मिनट। तो हमेशा जब एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की तो पर मिनट आती है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो कलर है या चेंज इन कलर है ये क्या क्वांटिटी के लिए है, ये हमको पता लगाना होता है, जिसके लिए सारा प्रोग्रामिंग चल रहा होता है। देन फिर हमको सैंपल्स के बारे में जानकारी देनी होती है प्रोग्राम को, चाहे सीरम है, यूरिन है, CSF है, या और कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड है। और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जो हमारे लिए जानकारी की चीज़ है, कि हमको उस प्रोग्राम को ये समझाना होता है एनालाइज़र को कि हम स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर हम क्या दे रहे हैं, और यहीं पे हमारा कैलिब्रेशन शुरू होता है। ये स्टैंडर्ड या कैलिब्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो होती है कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, हम इसकी वैल्यू को दिन ब दिन बदल नहीं सकते। और ये नॉर्मली एक लिक्विड फॉर्म में आता है, या लिक्विड नहीं है तो इसको लिक्विड बनाया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन करके। ये सारा मैन्युफैक्चरर के प्रोफाइल में लिखा होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ में लिखा होता है कि इसको कैसे बनाना है, और उसके साथ साथ में उसका एक वैल्यू चार्ट जरूर दिया जाता है कि ग्लूकोज के लिए ये वैल्यू है या TSH के लिए ये वैल्यू है वगैरह वगैरह, और उसकी यूनिट्स भी डिफाइन की जाती है। ओके, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि यही हमारा कैलिब्रेशन का मटेरियल बनेगा। जब हम प्रोग्राम में डालेंगे तो हमको इस कैलिब्रेशन की वैल्यूज डालनी पड़ेगी, हमको उसका लॉट नंबर डालना पड़ेगा, उसका वैल्यू डालना पड़ेगा जो उस एनालाइज़र के स्पेसिफिक होगी, और उसकी यूनिट डालनी पड़ेगी कि किस यूनिट के अंदर हम इसका मेजरमेंट करेंगे, मिलीग्राम परसेंट या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये सारा प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद में हमको एनालाइज़र को एक कमांड देना पड़ता है, और वो कमांड ये बोलता है कि अभी हमको टेस्ट रन करना, उससे पहले इंस्ट्रूमेंट अपने आप को कैलिब्रेट करे। तो कैलिब्रेशन का कमांड जब हम देते हैं तो वो एग्जैक्टली टेस्ट के जैसे ही रन कैलिब्रेशन एसेस करके प्रोग्राम में चलता है, और वो हर बार उस एनालाइज़र के अंदर उस सैंपल को, उस कैलिब्रेटर को लेके रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके और एक ऑप्टिकल डेंसिटी हमको देगा।
और वो ऑप्टिकल डेंसिटी को उस कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके एनालाइजर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा जिसको हम बोलते हैं फैक्टर। जब तक हमारा ये फैक्टर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, स्टेबल है, परफेक्ट है, तब तक हमारे रिजल्ट्स को कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है। जैसे ये हिलने लगा तो प्रॉब्लम शुरू होती है, इसलिए फैक्टर पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और जैसे ये फैक्टर हमारे को मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट कई बार हमको ये फैक्टर बताता भी है, कई बार कुछ एनालाइजर्स के अंदर ये फैक्टर अंदर इंटरनल प्रोग्राम के अंदर सेव होके बैठ जाता है, हमें पता नहीं लगता है। लेकिन जब हम अपना टेस्ट करने जाते हैं तो टेस्ट करने के लिए हमको रन टेस्ट का प्रोग्राम रन करना पड़ता है किसी एनालाइजर के अंदर। और जब भी हम रन टेस्ट करेंगे तो वो इस फैक्टर के द्वारा जो कि इस कैल से आया है वो रिजल्ट्स हमको देना शुरू करेगा कि पेशेंट की वैल्यू है क्या। ओके, अभी कैलिब्रेशन स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है जो हर इंस्ट्रूमेंट को, हर टेक्नीशियन को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपना इंस्ट्रूमेंट कितने टाइम तक ये कैलिब्रेशन स्टेबल लेके चलेगा ताकि हमको दोबारा उसको रन नहीं करना पड़े। तो उसके लिए मैं प्राइमरीली इस कैलिब्रेटर को ही, ये कैलिब्रेटर को ही मैं लिक्विड को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जब तक इस लिक्विड के अंदर, जब वो उस कप के अंदर एनालाइजर के कोरोसेल में या आपकी टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है और जब तक उसकी वैल्यू खुद नहीं बदल जाती तब तक वो सेम फैक्टर देता रहेगा। और जब तक ये इक्वेशन चलेगी कि उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है और फैक्टर अपने को सेम मिल रहा है, तब तक कैलिब्रेशन की स्टेबिलिटी उस एनालाइजर के लिए है। डिपेंड करता है कि एनालाइजर के अंदर ये कैलिब्रेटर बाहर पड़ा है, अंदर पड़ा है, किस टेम्परेचर पे है, बॉटल खुली है, बंद है, लेकिन जब तक हमको ये सेम फैक्टर मिलता रहे या हमने एक कोई कंट्रोल सीरम लगाया जिसकी वैल्यू लगातार हमको सेम 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 एवरी डे मिलती रहे, तब तक हमारा ये कैलिब्रेशन स्टेबल है। और जब से ये शिफ्ट होना शुरू करे, कैलिब्रेशन स्टेबिलिटी अभी कंप्रोमाइज़ हो चुकी, हमको दोबारा इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इस तरीके के मोर वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकॉन, सो अगर कोई नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच।